सर मैं जब शुरू एक साल पहले 2-3 नवंबर को मैं जुड़ा था आप मतलब प्रमुख प्रमुख से, उस समय मैं अपना ट्रीटमेंट आपके यहाँ से चालू किया सर। फिर मैं मेडिसिन लेते गया और मेडिसिन कंटिन्यू ले रहा था। जब मैं अभी जब अपना जैसे कि खाना पीना पहले मैं कुछ भी नहीं खा पाता था, खिचड़ी मुँह से डाइजेस्ट नहीं होता था और मूंग दाल से खिचड़ी भी नहीं खा पाता था, मतलब बहुत खाने पीने में मुझे तकलीफ होती थी, पेट भी साफ नहीं होता था और एसिडिटी गैस बहुत ज्यादा मुझे रहता था और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बहुत डिप्रेशन था ना, मतलब बहुत सारा परेशानी था। पर मैं कंटिन्यू मेडिसिन लेते रहा और कभी धीरे धीरे मुझे भूख लगना चालू हुआ। फिर वैसे ही चलता था खाना मैं कम कम ही धीरे धीरे करके खाता पीता था और थोड़ा थोड़ा ही करके फिर लेते रहे मेडिसिन। एक साल तक से मैं लिया, जब मैं अपना रिपोर्ट कराया अभी तो मुझे जब मैं रिपोर्ट कराया तो मुझे खुद को ही यकीन नहीं था कि मेरा रिपोर्ट ऐसा होगा हो सकता है ऐसे करके। और रिपोर्ट में जब कराया तो मेरा रिपोर्ट पूरा ही नॉर्मल आया, मुझे यकीन नहीं था कि रिपोर्ट ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैं जिस डॉक्टर के पास मैं रायपुर में छत्तीसगढ़ में जहाँ इलाज में कराया तो वो मुझे बोल चुका था कि ये नहीं होगा ठीक, जब भी आपको मेडिसिन मतलब ऐसा होगा फिर वो लेना पड़ेगा करके, मतलब दर्द के लिए या फिर अपना डाइट रखना पड़ेगा, संभाल के रहना पड़ेगा, खाना पीना नहीं, चिकन उगन नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब बहुत वो बताया था कि होगा ही नहीं करके। मैं तो अंदर से पूरा दिमाग से पूरा मतलब टूट गया था मन से। लेकिन यहाँ से ट्रीटमेंट कराने के बाद अभी मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे मैं ठीक हूँ सब कुछ, मतलब जो पहले नहीं कर सकता था वो कर सकता हूँ, जो पहले नहीं खा सकता था वो कर हो सकता है, बाकी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सिंपल है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई जैसे कि अनुभव ऐसा है कि बीमारी जो था ना वो परेशानी था, लेकिन बीमारी से भी मैं छुटकारा हूँ, मतलब कोई प्रकार की मुझे परेशानी नहीं है, मैं बीमारी से पूरा मुक्त हो गया हूँ यहाँ के ऑफिस में लेने के बाद। पहले तो मुझे बहुत तकलीफ था पर अब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपना सिटी कराया तो मेरा तो पूरा रिपोर्ट ही नॉर्मल है, कोई भी मेरे मतलब शरीर में असमानता नहीं है उसमें, रिपोर्ट में डायरेक्ट मतलब वो लिखा हुआ है कि सब कुछ बढ़िया है। मुझे फ्यूचर ऑफ क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस बताया था पुराना रिपोर्ट में, फ्यूचर ऑफ क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, और सब बोलते थे कि ये ठीक नहीं होता करके, मुझे बहुत निराश लगता था क्योंकि जवान आदमी और खाने पीने से लेकर काम धंधे से लेकर पूरा फैमिली परेशान थे, पर अभी ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। मैं यही कहना चाहूंगा सर कि यहाँ से ट्रीटमेंट ले और ऐसा कोई ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और कम से कम दाम में है, क्योंकि वहाँ हेलो उसने जब मैं ट्रीटमेंट करा था तो उसका तो रेट ही 7,500 का मतलब दवाई आता था महीना, यहाँ तो मतलब कम दाम में ही और अच्छा ट्रीटमेंट है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको और आपकी पूरी टीम को, कहूँगा।